गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आयुष और आज है हमारी यूएई ट्रिप का डे टू। लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लोर किया था शेख जायद ग्रैंड मॉस्क। इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है, यू कैन वॉच दैट वीडियो आफ्टर दिस वन। सो एज यू हैव ऑलरेडी सीन इन द इंट्रो, आज हम जा रहे हैं दुबई ढाव क्रूज एक्सपीरियंस करने, बट फर्स्ट वी हैव टू रीच दुबई। तो सस्ते में अबू धाबी से दुबई पहुंचने के लिए हम पहुंचे अबू धाबी सेंट्रल बस स्टेशन, जहां से हमने लिया ये नोल कार्ड और पकड़ी E100 नंबर की बस, जिसने मात्र 25 दिरहम्स में हमें पहुंचा दिया अबू धाबी से दुबई। दिस नोल कार्ड इज अ मस्ट इफ यू आर अ बजट ट्रैवलर। अगर इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ। दुबई पहुंचकर अपने रूम में चेक इन करके हम निकले ढाव क्रूज के लिए, जिसका बोर्डिंग पॉइंट था दुबई फेस्टिवल सिटी मॉल। और वहां तक पहुंचने के लिए हम चले अलरास मेट्रो स्टेशन से क्रीक मेट्रो स्टेशन की तरफ। एंड आफ्टर गेटिंग ऑफ फ्रॉम द मेट्रो, वी हॉप्ड ऑन अ मरीन ट्रांसपोर्ट सर्विस टू रीच आवर बोर्डिंग पॉइंट। एंड दिस इज आवर ढाव क्रूज, और इस क्रूज का नाम है अल फारिस लग्जरी डिनर क्रूजेस। So Dubai has variety of dinner cruises to offer. Other than canal cruise, you can go for either Creek or Marina cruise. इन तीनों cruises में majorly location का difference होता है। ये Dubai में different location पर sail करती है। So you can enjoy your dinner with the view of your choice. मैंने अपना cruise book किया था Get Your Guide app से, and it costed me around 4,500 rupees per head. मैंने कैनल क्रूज पर्टिकुलरली इसलिए सिलेक्ट किया बिकॉज आई वॉन्टेड टू विटनेस दिस ब्यूटिफुल स्काईलाइन ऑफ दुबई। सो आप भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना क्रूज सेलेक्ट कर सकते हैं। आई हैव मेंशन्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन गो एंड चेक आउट द लेटेस्ट प्राइस ऑफ दिस क्रूजेज आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ लेट्स गेट बैक टू अवर जर्नी। बोर्डिंग स्टार्ट होने पर हमारा वेलकम हुआ ट्रेडिशनल कहवा, डेट्स और कुछ रिफ्रेशमेंट्स के साथ, और फाइनली शुरू हुआ हमारा पहले ढाव क्रूज का सफर। अभी जो मैं देख पा रहा हूँ, इट्स सो ब्यूटीफुल दैट इट्स जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। नहीं सीरियसली, इस व्यू को वर्ड्स में कन्वे कर पाना थोड़ा सा मुश्किल तो है। इसे कैमरा के थ्रू दिखाया तो जा सकता है, बट एक्सपीरियंस करने के लिए आपको ही यहाँ आना पड़ेगा। आई थिंक हमें अपने बिजी लाइफ से ऐसे ब्रेक्स कभी कभी ले लेने चाहिए, क्योंकि यही बातें तो बाद में याद आती है। ये क्रूज सिर्फ दुबई के ब्यूटीफुल स्काईलाइन के व्यूज तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ आगे हमारा वेट कर रहा था एक लेविश 5-स्टार डिनर। यू कैन चूज फ्रॉम वाइड वैरायटी ऑफ कुजींस। आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, यू गेट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। दे इवन हैव अ लाइव पास्ता काउंटर हियर, जहाँ आप अपने लिए कस्टमाइज पास्ता भी बनवा सकते हैं। एंड दिस ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस ऑन सैक्सोफोन जस्ट टेक योर डिनर एक्सपीरियंस टू द नेक्स्ट लेवल। Finally, here comes the highlight of this cruise journey. ये क्रूज हमें लेकर जाती है इस खूबसूरत वाटरफॉल के बीच से। जैसे जैसे हमारा क्रूज आगे बढ़ता है, किसी कर्टन की तरह ये वाटरफॉल खुलने लगता है। इस वाटरफॉल का नाम है शेख जायद रोड वाटरफॉल। अगर वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हो, इसका मतलब आपको मजे तो आ रहे हैं। इसी बात पर वीडियो को एक लाइक करना तो बिल्कुल बनता है। सो दिस वॉज अ वर्चुअल टूर ऑफ दुबई ढाव कैनल क्रूज फॉर यू गाइज। इफ यू लाइक द एफर्ट, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट सैटरडे विद अ न्यू वीडियो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन।